नमस्कार, धर्म कथा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शबनम हसन। दुनिया में ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसकी मान्यताओं में त्योहार, व्रत और समारोह ना मनाए जाते हों। विश्व के तमाम धर्म और संप्रदायों में त्योहारों से एक दूसरे को समझने, जानने और मिलने का अवसर मिलता है। इसी क्रम में इस्लाम में ईद एक ऐसा त्योहार है जिसे ये सीख मिलती है कि अल्लाह की राह में कुर्बानी का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में दीपावली, दशहरा, होली जैसे त्योहार हैं जिनसे हमें हिंदुओं के सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक विशालता का पता चलता है। इसी तरीके से क्रिश्चियन, सिख और दूसरे धर्मों में अनेक त्योहारों की वजह से हमें मानव समाज के कई पहलुओं का पता चलता है। इस्लाम में साल में एक बार सऊदी अरब के मक्का में 5 दिन का हज होता है और हज के 3रे दिन कुर्बानी दी जाती है और ये कुर्बानी पूरी दुनिया को सीख देती है। इस्लाम में मुख्यतः दो त्योहारों का जिक्र आता है। पहला है ईद उल फितर, इसे मीठी ईद और छोटी ईद भी कहा जाता है। दूसरा है ईद उल जुहा, अजहा अथवा बकरीद और बड़ी ईद भी कहा जाता है। ईद उल जुहा हज के दौरान मनाए जाने वाला त्योहार है। इस्लाम में 5 फर्ज होते हैं। हज उनमें से सबसे बड़ा फर्ज माना जाता है। हर मुसलमान के लिए अपनी सहूलियत के हिसाब से जिंदगी में एक बार हज करना जरूरी है। हज के संपूर्ण होने की खुशी में बकरीद का त्योहार मनाया जाता है, पर ये कुर्बानी का त्योहार भी है। इस्लाम में कुर्बानी का बहुत अधिक महत्व है। कहा गया है कि अपने सबसे प्यारी चीज रब की राह में खर्च करो। रब की राह में खर्च करने का अर्थ नेकी और भलाई के कामों से लिया जाता है। कुर्बानी और इबादत को हर धर्म और शास्त्र में अपने मालिक अर्थात परमात्मा को पाने का तरीका माना जाता है। हिंदू धर्म में जहां हम कुर्बानी को त्याग से जोड़कर देखते हैं, वहीं मुस्लिम धर्म में कुर्बानी का अर्थ है खुद को खुदा के नाम पर कुर्बान कर देना, यानी अपने सबसे प्यारी चीज का त्याग करना। इसी भावना को उजागर करता है मुस्लिम धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार ईद उल जुहा। वैसे बकरीद शब्द का बकरों से कोई रिश्ता नहीं है और न ही ये उर्दू का शब्द है। असल में अरबी में बकर का अर्थ है बड़ा जानवर जो कुर्बान किया जाता है। उसी से बिगड़कर आज भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश में इसे बकरीद कहते हैं। वास्तव में कुर्बानी का असल अर्थ ऐसे बलिदान से है जो दूसरों के लिए दिया गया हो। जानवर की कुर्बानी तो सिर्फ एक प्रतीक भर है कि किस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए हर प्रकार की कुर्बानी दी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने सबसे प्यारे बेटे तक की कुर्बानी दे दी, लेकिन खुदा ने उन पर रहमत की और बेटा जिंदा रहा। हजरत इब्राहिम क्योंकि अल्लाह के बहुत प्यारे थे, इसलिए उनको खलीलुल्लाह की पदवी भी दी गई है। कुरान में लिखा है, हमने तुम्हें फौज एक कौसर दिया तो तुम अपने अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। वैसे तो इस पावन पर्व की नींव अरब में पड़ी, मगर तुजक एह जहांगीरी ने लिखा है, जो जोश, खुशी और उत्साह भारतीय लोगों में ईद मनाने का है, वो तो समरकंद, बगदाद और तबरेज जैसे शहरों में भी नहीं पाया जाता जहां इस्लाम का आगमन भारत से पहले हुआ। बादशाह सलामत जहांगीर अपनी रियाया के साथ मिलकर ईद उल जुहा मनाते थे।
मुगल बादशाहों ने कुर्बानी के लिए गाय कुर्बान करने की सख्त मनाही की थी, क्योंकि हमारे देश में गाय को गौमाता के नाम से जाना जाता है। ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी है, इसलिए सरकार ने गाय की कुर्बानी करने पर पाबंदी लगाई है। आज भी ईद उल जुहा का जो असली मनोरंजन है वो भारत में ही देखने को मिलता है। ईद वाले रोज ऐसा लगता है कि मानो ये मुसलमानों का ही नहीं, हर भारतीय का पर्व है। बकरीद का इतिहास बहुत पुराना है। ये वाकया हजरत इब्राहिम से जुड़ा है। कहते हैं कि ये अल्लाह और उसके बंदे के एक दूसरे पर भरोसे का वाकया है। बताते हैं ईद उल जुहा से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। हजरत इब्राहिम आज से कई हजार साल पहले ईरान के शहर उर में पैदा हुए थे। जिस वातावरण में उन्होंने आंखें खोली, उस समाज में कोई भी बुरा काम ऐसा न था जो न हो रहा हो। इब्राहिम ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो सारे कबीले वाले और यहाँ तक कि परिवार वाले भी उनके खिलाफ हो गए। हजरत इब्राहिम का ज्यादातर जीवन रेगिस्तानों और तपते पहाड़ों में जन सेवा में बीता। संतानहीन होने के कारण उन्होंने एक संतान प्राप्ति के लिए खुदा से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की थी, जो सुनी गई और उन्हें चांद सा बेटा हुआ। उन्होंने अपने इस फूल से बेटे का नाम इस्माइल रखा। जब इस्माइल की उम्र 11 साल से भी कम थी तो एक दिन हजरत इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा, जिसमें उन्हें ये आदेश हुआ कि खुदा की राह में सबसे प्यारी चीज वो कुर्बान कर दें। हजरत इब्राहिम ने समझा कि अल्लाह को शायद उनके बेटे की कुर्बानी चाहिए थी, क्योंकि उनके दिल के सबसे करीब तो उनका बेटा ही था। वो जरा भी न झिझके और उन्होंने अपनी पत्नी हाजरा से अपने प्यारे लाडले को नहला धुला कर कुर्बानी के लिए तैयार करने को कहा। इस घटना के बाद जब हाजरा को ये पता चला कि अल्लाह के नाम पर उनके प्यारे बेटे की ही कुर्बानी दे दी जाएगी, तो मानो वो माँ नहीं कोई पत्थर की मूरत बन गई हो। उन्हें अल्लाह के नाम पर ये कबूल हुआ, क्योंकि अल्लाह पर उनका भरोसा बेहद गहरा था। जब हजरत इब्राहिम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी की जगह ले जा रहे थे तो शैतान ने उनको बहकाया कि क्यों अपने जिगर के टुकड़े को ज़बा करने के लिए वो तुले हुए हैं, मगर वो भटके नहीं। आखिरी वक्त पर छुरी फेरने से पहले नीचे लेटे हुए अपने बेटे ने पिता की आंखों पर रुमाल बंधवा दिया कि कहीं रिश्ता आड़े न आ जाए और हाथ डगमगा न जाए। पिता ने छुरी चलाई और आंखों पर से पट्टी जैसे ही उतारी तो हैरान हो गए ये देखकर कि बेटा तो उछल कूद कर रहा है और उसकी जगह जन्नत से भेजा हुआ एक जानवर दुम्बा वहाँ पड़ा हुआ है और उसकी कुर्बानी हो चुकी है। ये देखकर हजरत इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने खुदा का बहुत शुक्रिया अदा किया। ये खुदा की ओर से इब्राहिम की एक अग्नि परीक्षा भर थी और बेटे की कुर्बानी तो अल्लाह ने उनसे मांगी ही नहीं थी। तभी तो ज़िलहिज्जा के महीने में जानवर की बलि देने की परंपरा चली आ रही है, जिसका गोश्त 3 टुकड़ों में बंटवाकर एक गरीबों को, एक खुद के लिए और एक रिश्तेदारों में बंटवाया जाता है। देखा आपने किस तरह अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान रहता है। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे इस त्योहार से जुड़ी और भी खास बातें। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं धर्म कथा और आपके साथ मैं हूँ शबनम हसन। धर्म कथा में आज हम बात कर रहे हैं बकरीद की। इस दिन आसपास का वातावरण बहुत ही चहल पहल वाला होता है। लोग अपने हर फर्ज को पूरे नियम के साथ पूरा करते हैं। बताते हैं इस पर्व की कुछ दूसरी खास बातें। बाजारों में ईद उल जुहा की खरीदारी के लिए सुबह से शाम तक खरीदारों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर खरीदार बकरे, नए कपड़े, खजूर और सेवई खरीदते हैं। बकरीद पर कुर्बानी के लिए बकरे का बाजार भी तेज हो जाता है। बकरे का कारोबार करने वाले व्यापारी बताते हैं कि इन बकरों की कीमत उनके वजन और रूप रंग के आधार पर तय होती है। वैसे इन दिनों बाजार में बकरे की कीमत अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा हो जाती है। कुर्बानी जो है उसमें खुलूस से होता है। महंगा बकरा जो है उससे कुर्बानी कबूल नहीं होगी। उसमें एक उसमें कुरान में है कि तुम्हारा तकवा कबूल होगा, तुम्हारा खुलूस कबूल होगा। 5 लाख का बकरा लेके आपको घुमा रहे पूरे महल्ले में, उसके बाद कर दिया उसको, तो वो कुर्बानी जो है उसमें तकवे की कमी आ जाती है, उसमें खुलूस की कमी आ जाती है। ईद अपने कर्तव्य के लिए जागरूक रहने का सबक सिखाती है। राष्ट्र और समाज के हित के लिए खुद या खुद की सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने का संदेश देती है। बकरे की कुर्बानी तो प्रतीक मात्र है, ये बताता है कि जब राष्ट्र, समाज और गरीबों के हित की बात आए तो खुद को भी कुर्बान करने से नहीं हिचकना चाहिए। कोई व्यक्ति जिस परिवार में रहता है, वो जिस समाज का हिस्सा है, जिस शहर में रहता है और जिस देश का वो निवासी है, उस व्यक्ति का फर्ज है कि वो अपने देश, समाज और परिवार की रक्षा करे। इसके लिए यदि उसे अपनी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी देनी पड़े तब भी वो पीछे न हटे। इस्लाम में गरीबों और मजलूमों का खास ध्यान रखने की परंपरा है। इसी वजह से ईद उल जुहा में भी गरीबों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन दिनों कुर्बानी के सामान के 3 हिस्से किए जाते हैं। ये तीनों हिस्सों में से 1 हिस्सा खुद के लिए और शेष 2 हिस्से रिश्तेदारों और समाज में गरीब जरूरतमंद लोगों में बांटा जाता है। सभी मुसलमान लोग एकजुटता के साथ इस पर्व को खुशी से मनाते हैं और अपने अल्लाह को सजदा करते हैं। सभी अपने फर्ज को पूरे ईमान से निभाते हैं और दुश्मनों को भी गले लगा लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये त्योहार अरबी में ईद उल जुहा या ईद उल अधा के नाम से जाना जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप में इसे बकरीद के नाम से कहने की परंपरा है। मानव समाज में दुनिया के प्रसिद्ध सामाजिक सद्भाव और भाईचारा निभाने वाले त्योहारों में इस पर्व को सबसे ऊपर की कतार में माना जाता है, जहां आपसी भेदभाव भुलाकर मानवता की सीख दी जाती है। बकरीद का त्यौहार पैगंबर हजरत इब्राहिम की अल्लाह द्वारा ली गई परीक्षा और ऊपर वाले में पैगंबर की अटूट आस्था स्वीकारने की घटना है। हजरत इब्राहिम, उनकी पत्नी हाजरा और उनके बेटे इस्माइल सब ने अल्लाह की खिदमत करने के लिए जो परीक्षा दी वो मिसाल बन गई और पूरे समाज ने इससे जो सबक लिया उसने इस्लाम धर्म में कुर्बानी की प्रथा को प्रचलित किया। मज़हब इस्लाम ने कुर्बानी के सिलसिले में जो अपनी बातें कही हैं वो हज़रत खलीलुल्लाह से उसका तारीखी वाक़या वाबस्ता है और उसमें ज़िबह करके जो मुसलमान कुर्बानी करते हैं उसका सवाब और जो कुछ उसके सिलसिले में फजीलतें हैं इस्लाम ने उसको बड़ी अहमियत दी है। इसी वजह से मुसलमान ज़िबह की रस्म अदा करते हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार ये दिन पवित्र कुरान के पूर्ण होने की घोषणा का दिन भी माना जाता है। इसको बहुत ही एहतमाम से मनाया जाता है
और इसमें भाईचारा, आपसी सौहार्द और प्यार मोहब्बत का पैगाम जाता है। इसलिए इस मौके पर हमें आपस में मिलजुल कर इस त्यौहार को खुशी से मनाने की जरूरत है। इस्लाम धर्म के नियम में कहा गया कि पहले अपना कर्ज उतारें, फिर हज पर जाएं और तब बकरीद मनाएं। इस पवित्र त्योहार के मौके पर मस्जिदों और ईदगाहों में इबादत के लिए लोग पहुंचते हैं। मुस्लिम धर्म गुरु पैगंबर इब्राहिम की कुर्बानी का सबक लोगों को याद दिलाते हैं और पवित्र कुरान की राह पर चलने की नसीहत देते हैं। यह पर्व धर्म और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव पैदा करता है, साथ ही समाज में आपसी प्रेम, भाईचारे की भावना और गरीब दीन दुखियों के प्रति संवेदना के भाव को जगाता है। ये त्योहार इस्लाम में पांच सबसे जरूरी चीजों में एक ज़कात को बढ़ावा देता है, जिसमें हर मुसलमान का ये फर्ज है कि वो अपनी आमदनी और सोने जवाहरात का 2.5% हिस्सा हर महीने या हर साल गरीबों में बांटे। तो धर्म कथा में हमने आपको ईद उल जुहा से जुड़ी अनेक बातें बताई। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी राय और सुझाव हमें इस पते पर ज़रूर भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है dharmkatha@bhaskarnews.org और हमारा पता है A147 Sector 63 नोएडा। हमारा फ़ोन नंबर है 1-800-300-2530। तो अगले एपिसोड में हम फिर आएंगे कुछ और रोचक कथाएं लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।